नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे पा रहे हैं कि बोर्ड में साइज है एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ एक धुर, यहाँ पर भी लिखा हुआ एक धुर, यहाँ पर भी लिखा हुआ एक धुर, यानी जो चारों प्लट का जो रकवा है दोस्तों वो एक धुर है। सो दोस्तों आज के वीडियो पर कंप्लीट आपको हम प्रोसेस बताएंगे कि एक कट्ठा जमीन में कितना फीट लंबाई और कितना फीट चौड़ाई होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो दोस्तों टॉपिक है कि एक कट्ठा जमीन में कितना इस फीट लंबाई और कितना फीट चौड़ाई होता है, इसको समझने के लिए दोस्तों थोड़ा आपको हम दूसरा एंगल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट का जो लंबाई चौड़ाई बराबर है और ये चार हाथ के लगी से मापा गया है। इसका रकवा है एक धूर। ये जो प्लॉट है दोस्तों, ये 6.5 हाथ के लगी से मापा गया है, इसका भी दोस्तों रकवा है एक धूर। और ये जो प्लॉट है दोस्तों, ये 7 हाथ के लगी से मापा गया है, इसका भी रकवा है एक धूर। दोस्तों आप बता रहे हैं, अब प्लॉट अलग अलग आकार का है और सबको हम बोल रहे हैं कि एक धूर है, ये कैसे हो पा रहा है? दोस्तों भारतवर्ष में 4 हाथ से लेकर 12 हाथ तक का लगी चलता है। ये लगी का मतलब क्या होता है कि एक लगी का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई ऐसा इलाका है वहां पर मान लिया है पूर्वजों ने कि हमारे यहाँ 4 हाथ के लगी से चारों तरफ अगर मापेंगे तो वो एक धुर जमीन होगा। ऐसा इलाका है जहां पर मान लिया है कि 6.5 हाथ का लगी चलेगा, तो वहां पर 6.5 हाथ के लगी से चारों तरफ लेंगे और जितना जमीन होगा वो एक धुर जमीन होगा। कहीं पर मान लिया कि 7 हाथ का लगी यहां पर चलेगा, तो 7 हाथ के लगी से चारों तरफ अगर लेंगे तो वो एक धुर जमीन होगा। अब इसको तो एक धुर हो गया हाथ से, लेकिन हम लोग अभी जमीन जो मापी करते हैं, एक नंबर कड़ी से मापते हैं, दूसरा नंबर फीट से। लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण जमीन अभी कम पड़ गया है, तो हम लोग फीट से मापी अधिक करते हैं। तो जब आप जमीन को फीट से मापते हैं तो एक धुर का मान आप कैसे निकालिएगा? जब दोस्तों एक धुर का मान आप निकालने जान जाइएगा, सीख जाइएगा, तो वहां पर एक कट्ठा, एक बीघा, 10 कट्ठा, 10 बीघा निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए, 4 हाथ का लगी से हम अगर जमीन को मापते हैं तो 4 हाथ का लगी में हम अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो एक हाथ में 1.5 फीट होता है। ठीक है, आप जानते हैं 18 इंच का हाथ रहेगा तो 1.5 फीट होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम जो मेरा हाथ का लंबाई है उसको हम फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फीट में अगर बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो होगा 6 फीट। अब दोस्तों क्या करना है, ये 6 को 6 से फिर मल्टीप्लाई करना है, यानी ये सूत्र होता है कि लगी इंटू जितना हाथ का लगी है उसमें आपको 1.5 मल्टीप्लाई करना है, और जब 1.5 आप गुना करने के बाद जितना गुणनफल आता है उसका आपको वर्ग कर देना है। तो 6 गुना 6 करेंगे। अब दोस्तों फीट स्क्वायर को हम क्या करें, बाहर में रख दिए। अब यहां पर 36 फीट स्क्वायर जमीन बराबर होगा एक धूर जमीन, यानी दोस्तों ये जो जमीन है ये 36 फीट स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना है, 36 फीट स्क्वायर है। अब दोस्तों 6.5 हाथ के लगी से अगर आप जमीन को मापते हैं तो आपको क्या करना है, 6.5 में 1.5 मल्टीप्लाई करना है, यानी 6.5 हाथ के लगी से आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.5, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा 9.75, ये आ गया दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, 9.75 को दोस्तों आपको फिर वर्ग करना है, यानी 9.75 को 9.75 गुना 9.75, अब जो आएगा रिजल्ट दोस्तों वो होगा 95.0 फीट स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों एक धुर जमीन, यानी यहां पर कितना जमीन है, 95.0 फीट स्क्वायर, ये हो गया एक धुर 6.5 हाथ के लगी से। अब दोस्तों अगर आप क्या करना है, 7 हाथ के लगी से अगर आप जमीन को मापते हैं तो 7 में क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो 7 में अगर 1.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो आएगा वो 10.5 आएगा। कितना आएगा, 10.5 फीट, ओनली फीट। ठीक है, ये फीट स्क्वायर तभी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 10.5 का हम वर्ग करेंगे, तो 10.5 गुना 10.5। आप 10.5 गुना 10.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा वो 110.25 फीट स्क्वायर, ये हो गया एक धुर जमीन। इसी तरह दोस्तों अगर आप इसको
ये तो हो गया एक धुर जमीन, फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो 720 आएगा, वो होगा आपका क्या, एक कट्ठा जमीन। यानी धुर को एक धुर जमीन में 20 मल्टीप्लाई कीजिएगा वो होगा एक कट्ठा, फिर एक कट्ठा जमीन में अगर 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बीघा जमीन होगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो पर इतना ही। आई होप आप वीडियो को अच्छी तरह देखे हैं, अच्छी तरह आप लगी के बारे में जान गए हैं। अगर कोई भी मन में त्रुटि है तो हमें कमेंट पर जरूर बताएं, उसका रिप्लाई देने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।